हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ चौलाई की हार्वेस्टिंग, जो ग्रीन वेजिटेबल में आती है। तो मेरे गार्डन में वो बहुत सारी हो गई है, और वो एक ऐसा प्लांट है जो खुद ब खुद ही ग्रो हो जाता है। एक बार अगर आपके गार्डन में उसके सीड्स आ जाते हैं तो वो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही मैं आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ, और आपको दिखाऊँगा कितना सारा मेरे गार्डन में अपने आप से ही ग्रो हो गया है। जब उसका मौसम आता है अपने आप से वो ग्रो भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है सनफ्लावर में भी, और ये कनेर, और यहाँ पे देखिए ये अलमंडा वाइन जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और किधर देखिए ये है देसी पिटोनिया जिसमें अभी भी फ्लावरिंग है। काफ़ी टाइम तक इसमें फ्लावरिंग होती है और हैवी ब्लूमिंग चल रही है इस टाइम पे भी। देखिए वाइट और पर्पल। तो ये देखिए ये है चौलाई जिसको मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो दो तरह की होती है, एक होती है बड़ी पत्तियों वाली जो ये है, और एक होती है छोटी पत्तियों वाली, वो भी मैं आपको दिखाऊँ, वो भी मेरे गार्डन में अपने आप से ही ग्रो होती रहती है। तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, और इसमें देखिए ये सीड्स भी बनने लगे हैं। तो अगर मैं इसको मैं हार्वेस्ट करूँगी तो यहीं से देखिए नीचे से ये और अच्छा से फूटेगा, कई सारी ब्रांच निकलेंगी जो इसमें पहले से निकली हुई हैं, तो ये जल्दी ग्रोथ कर जाएंगी अगर मैं इसको ऊपर से कट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से, और ये पत्ते जो हैं इनको भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि काफ़ी हेल्दी हैं पत्ते, और जो ये छोटी छोटी जो ब्रांच निकल रही इनको भी मैं निकाल लूँगी यहीं से, और अच्छे से ये नई नई ब्रांच निकालेगा। तो ये देखिए बहुत छोटा छोटा काफ़ी सारा इसमें हो रखा है, आप ये देखिए, तो हर पॉट में ये लगा हुआ है, तो इससे मुझे काफ़ी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक बिस्लरी है, पॉट है इसमें हो रखा है, सभी पॉट में ये जो है ना गिरा हुआ है इसका सीड, तो देखिए काफ़ी हेल्दी है और बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये देखिए मेरे आलू भी इसमें निकले हुए हैं, ये बंदरों ने जो है निकाल के फेंक दिए थे सब्जियों में, उन्होंने इसमें से निकाले भी नहीं, कुछ पड़े भी हुए हैं। तो देखिए इसमें भी सीड्स बनने लगे हैं, ऊपर से कट कर दूँ तो सीड्स नहीं बनेंगे और ये नीचे से ही ग्रो होता रहेगा। तो काफ़ी सारा है इसमें, तो सारा ही मैं निकाल लूँगा। लेकिन वैसे तो इसको कैची वगैरह से कट करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो फिर मैं आपको वीडियो शूट नहीं दिखा पाऊँगी वीडियो में कि मैं कैसे हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से, तो मैं तो हमेशा ही ऐसे ही हार्वेस्ट करती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो होता है। फिर भी देखिए और भी है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इधर। तो मुझे ये सीड्स कहाँ से मिला, तो मैं अपने गांव जाती हूँ कभी, तो वहाँ से मैं गोबर की खाद लेकर आती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो उसी में ये सीड्स आए हुए हैं मेरे गांव से। तो ये देखिए फ्री की वेजिटेबल, तो ऐसे कोई भी चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे कोई वेजिटेबल प्लांट हो, तो ऐसे प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए जो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं अपने आप से, सेल्फ ग्रोइंग प्लांट इनको बोलते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक हमें अपने गार्डन से मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। हमें देखिए, तो ये देखिए काफ़ी सारा है, तो ये देखिए इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना, ये भी एक वेजिटेबल है, तो ये भी काफ़ी सारा निकलता है मेरे गार्डन में। तो इधर यहाँ पे देखिए ये बैंगन के पॉट में भी हो रखे हैं, और बहुत ही हेल्दी है, बिल्कुल फ्रेश एकदम ऑर्गेनिक। तो मैं जो इसमें खाद जो यूज़ करती हूँ, मेरा किचन वेस्ट का जो प्लांट है, मेरे जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें, और जो परमानेंट प्लांट हैं उनमें मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ, तो मैं अपने गार्डन में केमिकल यूज़ नहीं करती। तो ये देखिए और काफ़ी सारा हो रखा है छोटा छोटा, ये देखें आप कितना सारा निकला हुआ है, तो ये बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है अच्छे से, 3-4 दिन में फिर से मुझे इतना बड़ा बड़ा ही निकल के आ जाएगा, ये अच्छी ग्रोथ हो जाती है 3-4 दिन में इसकी। इधर देखिए इसमें ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ये है छोटी पत्तियों वाला, ये देखिए आप इसकी छोटी पत्तियाँ हैं, तो ये भी काफ़ी सारा निकला हुआ है, तो इसको भी कर लेते हैं हार्वेस्ट। और ये देखिए छोटे छोटे में ही इसमें सीड्स बनने लग जाते हैं, छोटे ही प्लांट में ज़्यादा हाइट पे नहीं जाता है, और वो जो है बड़ी पत्तियों वाला बड़ी बड़ी वो काफ़ी हाइट ले लेता है। तो बस फ़र्क इनमें इतना ही है कि एक की पत्ती बड़ी होती है और एक की छोटी, तो इस तरह से दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, और ये काफ़ी सारा मिलता है मार्केट में। तो इसके सीड्स जो है ना बनते हैं और अपने आप मिट्टी में गिरते हैं और अपने आप से ही ये ग्रो हो जाता है। बस इसको पानी जो है हमें रेगुलर देना है, सूखने नहीं देना है, दोनों टाइम इसको पानी दें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में दोनों टाइम ही पानी की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, तो अच्छे से ही इसकी ग्रोथ होती रहती है। और 4-5 दिन में इसको हार्वेस्ट करते रहिए, तो इसी तरह से घना होता जाता है, जितनी हार्वेस्टिंग करेंगे उतना ही ये घना भी हो जाता है, नई नई ब्रांच इसमें निकलती रहती हैं। और यहाँ देखिए काफ़ी सारे बैंगन खा गए हैं बंदर मेरे, ये देखिए 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे, और अभी 1-2 लगे हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये तो
तो दो तीन दिन से आए नहीं हैं इसलिए ये रह गए हैं, नहीं तो बस अंदर छोड़ते नहीं हैं। तो इधर देखिए ये पालक फिर से हो गया है, तो इसकी होगी थर्ड हार्वेस्टिंग, तो इसको भी आज मैं हाथ से ही कट करूँगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। तो दो बार हार्वेस्टिंग मैंने की आपके साथ, वीडियो भी मैंने शेयर किया दो बार, और तीसरी बार भी आप सोच रहे होंगे बार बार हार्वेस्टिंग का वीडियो डालते हो, तो क्या है कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मैं इस तरह से वीडियो शेयर करूँ। तो गार्डनिंग में इस तरह से हम जब फिर काम करते हैं फिर उसका हमें इस तरह से रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। इससे क्या है आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम भी गार्डनिंग करें इस तरह से, अगर हमें टेरेस पर ही इस तरह से वेजिटेबल मिल जाए तो, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये देखिए कोई ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है, आप खुद घर पे ही खाद बनाएं और इनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हार्वेस्टिंग ले सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत होती है पानी वगैरह डालने की लगाने की, तो ये कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं गार्डनिंग, और गार्डनिंग के साथ साथ वेजिटेबल भी लगाएं, तो थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो उससे आपको क्या आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको घर पे ही इस तरह से वेजिटेबल मिल जाएंगे। ये देखिए चलो मैं निकाल लेती हूँ, तो ये देखिए कट कर लिया है मैंने, और बस कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें रेगुलर पानी देना है, और जब इसको आप हार्वेस्ट करते हो तो उसके बाद आपको इसको एक बार फर्टिलाइज़ कर देना है। बस चाहे आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें, गोबर की खाद डालें, किचन वेस्ट डालें, कुछ भी जो भी आपके पास है वो आप डाल सकते हो, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको इसी तरह से हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी बिल्कुल बिना कम मेहनत में। और यहीं पर देखिए ये पुदीना भी है, देखिए ये भी मैंने जो हम मार्केट से लाते हैं पुदीना वही मैंने इसमें दबा दिया था, और काफ़ी मैंने हार्वेस्ट भी करा है, आपको दिखाया भी है मैंने कई बार वीडियो में। तो ये देखिए बिल्कुल हार्वेस्ट हो गया है, और ये देखिए मेरी हार्वेस्टिंग अभी देखिए। तो ये देखिए पालक और चलाई और ये बैंगन दो, तो बैंगन तो छोड़ते नहीं है, काफ़ी निकलते हैं बैंगन भी, बंदर नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो ग्रीन वेजिटेबल है इसको तो नहीं ख़राब करते बंदर, लेकिन जो इस तरह के टमाटर वगैरह हैं उनको भी ख़राब करते हैं। तो ये देखिए इस तरह की हार्वेस्टिंग मुझे मिली है काफ़ी सारी, तो बिल्कुल एक बार की सब्ज़ी हमारे घर में बन सकती है। तो बस दोस्तों इसी तरह से आपको भी हार्वेस्टिंग करनी है, वेजिटेबल ग्रो करनी है, तो आप भी मेरी वीडियो देखते रहिए और इसी तरह से ग्रो करते रहिए। तो मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो बाय दोस्तों।